गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में स्टडी किया था और आज हम देखते हैं कि को डोमिनेंस क्या होता है। को मींस साथ साथ या साथ रहकर, डोमिनेंस मींस प्रभाव, प्रभावित मींस दो एलील जो क्रोमोसोम पेयर पर उपस्थित होते हैं वो एलील दोनों अपने कैरेक्टर्स को स्वतंत्र रूप से और साथ साथ अपीयर करते हैं, प्रकट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो हम इसे कोडोमिनेंस नाम देते हैं। कोडोमिनेंस अकर्स व्हेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एलील्स आर विजिबल इन द फेनोटाइप। मींस लक्षण जो नेक्स्ट जनरेशन का लक्षण प्रारूप है उसमें दोनों एलील्स के लक्षण जो है वो विजिबल होते हैं, प्रकट होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में चार टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि एक एलील ए ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार होता है, एक एलील बी ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार होता है। यदि दोनों एलील साथ साथ में अपना प्रभाव दिखाते हैं तो उसके फलस्वरूप ए बी ब्लड ग्रुप उत्पन्न होता है और इसे हम कोडोमिनेंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम केमिकल मॉडिफिकेशन टू ए ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द सर्फेसेस ऑफ ब्लड सेल्स are controlled by three alleles, two of which are codominant each other. A और B allele जो है वो codominant होते हैं, जबकि O blood group के लिए जो जिम्मेदार glycoprotein है वो recessive होता है। इन दोनों की उपस्थिति में वो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, लेकिन यदि A और B दोनों allele हैं, तो दोनों अपना लक्षण साथ साथ प्रकट करते हैं, codominance प्रकट करते हैं। द आई ए एंड आई बी इस ये एलील के सिंबल है। एलील्स प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडिफिकेशन, द एंजाइम्स कोडेड बाय आई ए एड एन एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन टू ए मेम्ब्रेन बाउंड एच एंटीजन। द आई बी एंजाइम एड अ गैलेक्टोज, द स्मॉल आई एलील प्रोड्यूस नो मॉडिफिकेशंस। Thus, the I and IB allele are each dominant to small I. ये small I अगर homozygous condition में होता है, तो O blood group उत्पन्न करता है। But I and IB individuals have both modification on their blood cells and thus have type AB blood group. So the I and IB allele are said to be codominant. Codominance में ये जैसे कि ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, ये रेड ब्लड सेल्स है और इसके ऊपर इसकी सेल मेम्ब्रेन पर जो ये प्रोजेक्शन दिखाए गए हैं वो एंटीजेंस है। मान लीजिए कि ये एंटीजेंस जो ट्राइंगुलर की शेप में दिखाया गया है वो एक ब्लड ग्रुप उत्पन्न करता है, ग्लोबुलर शेप में है वो बी ब्लड ग्रुप उत्पन्न करता है। यदि दोनों है, ट्राइंगुलर भी है, ग्लोबुलर एंटीजन भी है, तो ये दोनों मिलकर के ए बी ब्लड ग्रुप उत्पन्न करते हैं। यदि कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप उत्पन्न होता है। तो कोडोमिनेंस जो केवल ए बी ब्लड ग्रुप के द्वारा शो किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रेड जो काउ है और व्हाइट काउ के बीच में जब क्रॉस होता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो रॉयन कलर अगर आता है, व्हाइट और रेड दोनों की स्पॉट अगर स्किन पर आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो यह कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। थैंक यू।